हेलो दोस्तों, मैं नितेश मेड़ा और आपका अपने चैनल लाइफ जीएम पे बहुत बहुत स्वागत है। और आज अपन जा रहे हैं रानी दुर्गावती महल, जो कि यहाँ जबलपुर में है। और अभी हम जहाँ खड़े स्वागी में, वहाँ से 10-15 किलोमीटर दूर पे, और उस रानी दुर्गावती महल के पास में एक बैलेंसिंग रॉक भी है, जिसको आज अपन देखेंगे। और वो एक ऐसा पत्थर है, मतलब पत्थर तो क्या, चट्टान बोल सकते हैं। तो ऐसा चट्टान है जो चट्टान के ऊपर एक चट्टान टिकी हुई है, मतलब है। तो चलो चलते हैं, देखते हैं। हाँ तो दोस्तों, अपन अब निकल रहे हैं और आज अपना आखिरी दिन है जबलपुर में। I live inside my own world of make believe. Kids screaming in the cradles, profanities. I see the world through ice covered in pink and bleach. Finally, अपन पहुंच गए बैलेंसिंग रॉक पे, और यहाँ पे कुछ इसके बारे में बता रखा है, वो अपन ने दे दिया है वीडियो में। और अपन बस चलते हैं, इधर से गेट है और वो रहा बैलेंसिंग रॉक। इधर मतलब आसपास पूरी चट्टान वगैरह ही है, इधर जाओ तो थोड़ा बहुत जंगल वंगल है कुछ, बाकी तो सिर्फ जो भी है इतना है। माहौल खत्म, अब चलते हैं अपन रानी दुर्गावती महल, जो कि यहीं से थोड़ा आगे ऊपर है। तो अब चलते हैं वहाँ पे और वहाँ के नज़ारे देखते हैं। कि इधर से इसी बैलेंसिंग रॉक के आगे ही है, बिल्कुल ऊपर घाट पर इधर जो रास्ता जा रहा है ये वाला। बस चलते हैं, अपनी गाड़ी एक्टिवा बिल्कुल तैयार है, अब चलते हैं। हाँ तो दोस्तों, बैलेंसिंग रॉक के जस्ट थोड़ा सा आगे आते से रानी दुर्गावती का किला है ये, और ये इधर से अपने को जाने का रास्ता है। और ये टोटल 402 सीढ़ियाँ, 402 या 202 ऐसी कुछ बोले थे वही का। तो बस ये चढ़ना और ऊपर किला है, अब देखते हैं इन सीढ़ियों के ऊपर चढ़ के अपने को क्या दिखता है। और ये अपने बंदे लोग निकल गए, अपन भी चलते हैं। चलो एक नंबर, अच्छी ऊंचाई पे बना है किला। अब यहाँ से देखते हैं, ऐसा कहते हैं कि जबलपुर पूरा दिखता है, तो अब वो देखते हैं। बस दोस्तों, थोड़ी थोड़ी सीढ़ियाँ चढ़ते जाओ, कुछ ना कुछ आता जाएगा। तो थोड़ी सी दूर और चढ़े तो इधर ही आ गई झील, तो झील के वहाँ सामने जो पत्थरों में एक मस्जिद भी है। और फिर वापस ऊपर चढ़ो, जब तक महल नहीं आता जब तक ऊपर चढ़ते हैं और देखते हैं। हाँ तो दोस्तों, फाइनली बहुत सारी सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद अपन पहुँच गए ऊपर रानी दुर्गावती महल पे। और यहाँ से ये नज़ारे, और मेन जो महल है वो ये रहा, जो मतलब एक पहाड़ी पे एक हिस्सा इसका टिका हुआ है, चट्टान है, पूरी चट्टान पे टिका हुआ है। मतलब सब तरफ इधर चट्टानी ज़्यादा है। और ये वाला पूरा सीन है, ये ऐसे चट्टान पे एक कोना टिका हुआ है। आओ चलो थोड़ा महल के अंदर घूमते हैं और अंदर से नज़ारे देखते हैं। वीडियो मत बनाएंगे, वीडियो फोन में नहीं, फोन में भी नहीं बना सकते। क्यों, फोटो तो खींच सकते हैं। Walk to you so I can be close to you. It's really simple if you look at it that way. Time that we get by with money we don't know. Pockets empty but hearts are full anyway.
हाँ तो दोस्तों, महल तो अपन आ गए घूम के, और ऊपर कैमरा अलाउड नहीं था तो जितना दिखा सकते थे उतना दिखा दिया। बाकी ये था महल, और ऊपर जाते हैं तो बाबा मतलब जो नीचे से पूरी सीढ़ियाँ चढ़ के आते हैं, ऊपर जाने के बाद जो ठंडी हवा के सामने सब कुछ ख़त्म है, वो सारी थकान ख़त्म हो जाती है। और अब थोड़ा सा अपन इधर घूमते हैं, ये किले के सामने मतलब ये इसके सामने आसपास का माहौल है वो देखते हैं। Get you one more time. I really wanna cross the line. I'd do it all before I die. I wanna get it on tonight. I wanna get you one more time. I really wanna cross the line. I wanna get you one more time. One more time. One more time. One more time. I want it one more time. I really need to make it right. The energy I overdose, cause I'm ready to reload. I need it one more time, but baby, then again twice. But I don't know if I'm ready to let go. I'm gonna have you one more time. I'm gonna hit it one more. हाँ तो दोस्तों, रानी दुर्गावती महल कैसा लगा? अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि कैसा लगा, क्या लगा, और बाकी लाइक कर देना। और इस वीडियो का अब यहीं एंड करते हैं, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। और ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर देना, और सब्सक्राइब करना ना भूलना। और फिर कुछ नई चीज़ें देखते हैं और चलते हैं अब यहाँ से, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय।